इस वीडियो का स्पॉन्सर है यूटीसोर्स। यूटीसोर्स एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप बहुत ही कम प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट परचेज कर सकते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांसफार्मर और भी बहुत कुछ। और इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपोनेंट यूज किए सभी के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यूटीसोर्स की वेबसाइट पर जाकर आप बहुत ही कम प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट परचेज कर सकते हैं, सो मेक श्योर टू चेक आउट। तो दोस्तों, इस सर्किट में एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे जो ग्रीन एलईडी है वो काफ़ी डिम जल रहा है, यानी कि यह जो ग्रीन एलईडी वो ख़राब हो चुका है और इसके बदले मैं वाइट एलईडी लगा दे रहा हूँ। Two hours later. तो फ्रेंड्स, मैंने इस सर्किट में वाइट एलईडी लगा दिया। अब इस सर्किट को चेक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो वायर है, जैसे ही मैं इस दो वायर को शॉर्ट करूँगा तुरंत ये पावर सप्लाई को कट कर देगा और रेड एलईडी इंडिकेट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एलईडी इंडिकेट कर गया और यहाँ पे पावर भी कट कर दिया गया। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जैसे इसको मैंने शॉर्ट कर दिया रेड एलईडी इंडिकेट कर दिया। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे मोटर लेते हैं, मैं यहाँ पे 6 वोल्ट का मोटर यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर चल रहा है, जैसे ही मैं इस मोटर को शॉर्ट करूँगा तुरंत रेड एलईडी इंडिकेट कर देगा और पावर सप्लाई को कट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर बंद हो गया और रेड एलईडी इंडिकेट कर रहा है। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं इस सर्किट को शॉर्ट करूँगा तुरंत पावर सप्लाई को कट कर देगा और रेड एलईडी इंडिकेट कर देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ था इस कारण ये मोटर बंद हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सर्किट है 12 वोल्ट पे काम करता है। अगर आप 6 वोल्ट का रिले लगाते तो ये सर्किट 6 वोल्ट पे काम करेगा। मैंने इसमें 12 वोल्ट का रिले यूज़ किया था तो इस कारण ये सर्किट 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। ये सर्किट सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करता है, तो आप इसे एसी से ना कनेक्ट। इसका मैं एक अपग्रेडेड वर्जन बनाऊंगा जिसका कि आपको पार्ट टू वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो ये सर्किट सिर्फ और सिर्फ डीसी में वर्क करता है, इसे आप एसी से ना चलाएं।